नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। पतरातु डैम रिजॉर्ट में G20 डेलीगेट्स का भव्य स्वागत, झारखंड की संस्कृति के कायल हुए लोग। JSLPS के उत्पादों के स्टॉल पर डेलीगेट्स ने की खरीदारी, बोटिंग का लिया आनंद, झारखंडी व्यंजन के हुए मुरीद। रांची, मध्यम संगीत, पक्षियों की चहचहाहट, पतरातु डैम के किनारे बना रिजॉर्ट शुक्रवार को विदेशी मेहमानों की मेहमानबाजी में व्यस्त था। G20 सम्मेलन में शिरकत करने आए मेहमान भी झारखंड के रमणीय वातावरण के कायल हो गए। कुछ मेहमान पलाश के वृक्षों को निहार रहे थे तो कुछ डैम में बोटिंग का आनंद लेते दिखाई दिए। रिजॉर्ट में मेहमानों का स्वागत झारखंड की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप किया गया। ढोल नगाड़े की थाप पर नृत्य करते झारखंड के कलाकारों ने प्रतिनिधियों का मन मोह लिया। एस्ट्रिस्ट JSLPS के उत्पादों के स्टॉल पर मेहमानों ने की खरीदारी। G20 की बैठक में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत का तरीका एकदम अनूठा और आकर्षक था। रिसोर्ट के किनारे JSLPS प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए गए थे, साथ ही खादी ग्राम उद्योग की भी प्रदर्शनी लगाई गई थी। विदेशी मेहमानों में झारखंड के प्रोडक्ट को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई दी। उन्होंने JSLPS के इंस्टॉल से कई खाद्य प्रोडक्ट की खरीदारी की। वहीं खादी ग्राम उद्योग के स्टॉल पर भी मेहमानों ने जाकर उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली। झारखंडी वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी एस्ट्रिस्ट। विदेशी मेहमानों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे झारखंड की संस्कृति और संगीत से जुड़े वाद्य यंत्र। झारखंड की संस्कृति और संगीत से जुड़े वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। विदेशी डेलीगेट्स ने वाद्य यंत्रों के प्रति गहरी रुचि दिखाई और उनके विषय में जानकारी प्राप्त की। हॉस्पिटलिटी के विदेशी हुए मुरीद। G20 की बैठक में भाग लेने आए विदेशी मेहमानों ने झारखंड में हॉस्पिटलिटी को लेकर काफी तारीफ की। उन्होंने बताया कि झारखंड का नेचर आकर्षित करने वाला है और खासकर यहां की मेहमानबाजी बेहतरीन रही। उन्हें G20 की बैठक के साथ साथ यहां की प्रकृति और यहां के लोगों के बारे में काफी जानकारी मिली। झारखंड के लोक नृत्य को भी उन्होंने काफी सराहा।